मानसिंह, ओ मानसिंह, अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, मानसिंह है क्या? पिताजी तो बाजार गए हैं। अच्छा, तो उन्हें बोलना लक्ष्मीनगर से पंडित जी आए थे, अब मैं चलता हूँ। अरे अंकल जी, ऐसे कैसे, आप हमारे मेहमान हैं, कम से कम पानी तो पीकर जाइए, और वैसे भी पिताजी आते ही होंगे। ठीक है, आ जाइए। अंकल जी आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है दादी। अरे अरे पंडित जी, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? भाई मानसिंह, प्लॉट की रजिस्ट्री थी, तो सोचा आपसे ही मिलता चलूं। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा करा, चलिए चलिए बैठिए। अच्छा आप दोनों बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। वैसे अंकल जी आप शक्कर कितनी लेते हैं? एक चम्मच। ओके अंकल जी। और बताओ पंडित जी, आज अचानक से कैसे याद आई? अरे पुराने दोस्तों को ही भूला जाता है क्या, वो तो दिल में रहते हैं। ये बात तो है। अच्छा ये बता, तेरा काम धंधा कैसे चल रहा है? बस चल रहा है गुजारा भाई, इतना कमा लेते हैं कि दो वक्त का गुजारा हो जाता है, और कभी कभी एक वक्त का। अच्छा तुम मेरी छोड़, तू अपनी बता, तेरा क्या चल रहा है? मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, हर चीज की मौज है। अरे वाह, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बंगला गाड़ी खेत खलियान नौकर चाकर, जिंदगी समझ ले मस्त कट रही है। अरे भाई मानसिंह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पिताजी लीजिए चाय। अच्छा बेटा लो भाई मानसिंह, चाय लो। अंकल जी इसमें कम मीठा है। भाई मानसिंह, तूने अपनी बेटी को बड़े अच्छे संस्कार दिए, जिस घर में भी जाएगी ना उस घर को स्वर्ग बना देगी, और मैं तो चाहता हूँ तेरी बेटी मेरे घर की बहू बने। मानसिंह ये कैसे संभव है, भाई तुम महलों में रहने वाले और हम गरीब घर में रहने वाले, ये ना हो पाएगा मानसिंह। अरे भाई मानसिंह, जब हम दोनों का एक साथ बैठकर चाय पीना मुमकिन हो सकता है, तो रिश्ता मुमकिन क्यों नहीं हो सकता? तू फिकर मत कर, तेरी बेटी को मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगा, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मुझे तेरी बेटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। क्या सोच रहे हो मेरे भाई, कुछ जवाब तो दो। तो मैं रिश्ता पक्का समझूं? जैसी प्रभु की इच्छा होगी। आ जा मेरे भाई। क्या देख रहे हो तुम दोनों ये? अरे बेटा तुझे नहीं पता, एक आसिफ गुरु सोनाटेक नाम से एक नया चैनल बना है, और उसपे एक नई अच्छी मूवी आई है सीता और रीता, और बहुत अच्छी चल रही है, देख। अरे वाह, 10 दिन के अंदर 4 लाख व्यूज। हाँ, और बहुत ही अच्छा है, और काफी प्रोजेक्ट है इसके। वेरी गुड, तू भी अपने फोन से सब्सक्राइब कर दे इसे। चलो कर देता हूँ। ये सब छोड़ो मम्मी, मोमोज खाने का मन है, मोमोज मंगा लो। अरे बेटा ला दे मोमोज। अरे भगवान, मोमोज को छोड़, मिठाई मंगवा ले मिठाई। अजी कौन सा खजाना मिल गया आपको जो मिठाई खिलवाने की बात कर रहे हो? मैं अपने संजय का रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से पक्का कराया हूँ, लड़की बहुत संस्कारी है। पिताजी क्या आपने हमारी राय लेना भी जरूरी नहीं समझा? तू चुप कर, मैं बात करती हूँ। अजी आप एक बात बताओ, आपने संस्कार तो देखे, कार भी देखी, और वो पढ़ी लिखी कितनी है ये पता किया, और दहेज में क्या लाएगी और क्या नहीं कुछ पता किया, जॉब वो भी करती है वो या नहीं करती? शकुंतला तुम तो जानती हो मेरा एक ही दोस्त है मानसिंह। हाँ हाँ जानती हूँ, वो बिग बंगा, तुम्हारा गरीब दोस्त मानसिंह।
क्या दहेज देगा वो कंगला कहीं का। शकुंतला मैं अपने दोस्त को जवान दे चुका हूँ, संजय की शादी होगी तो वहीं होगी, और भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें दहेज की क्या जरूरत है। और रही बात नौकरी की, हमें नौकरी करने वाली बहू नहीं चाहिए, घर को स्वर्ग बनाने वाली बेटी चाहिए, एक संस्कारी बेटी। पिताजी मेरे भी कुछ अरमान है, इस शादी के करने से तो अच्छा है कि मैं ये घर छोड़ के चला जाऊं। संजय बैठ जा। पर खुदान अरमान अपनी कमाई पर करने चाहिए, ना कि औरत के दम पर। और तुमने आज तक ऐसा किया क्या निठल्ले, जाए कर ले अरमान भी पूरा, निकल जा इस घर से। और हाँ, जब तक मैं जिंदा हूं ना, इस घर में मेरी चलेगी, सबको मेरी माननी पड़ेगी। माँ मैं अपने दोस्तों को कैसे बताऊंगा कि मैं गरीब ससुर का दामाद हूं। बेटा तू गुस्सा ठंडा कर और चिंता मत कर, मैं ही कोई तरकीब सोचती हूँ। माँ आज पूरे 3 दिन हो गए, क्या सोचा तूने? बेटा तुझे ये शादी तो करनी पड़ेगी। माँ क्यों ये शादी करा के मरा हुआ सांप मेरे गले में डालना चाहती है? मेरी बात सुन, अगर तुझे अपनी बाप की जायदाद का वारिस बनना है तो तुझे ये मरा हुआ सांप अपने गले में डालना पड़ेगा। माँ क्या वाकई में पिताजी मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे? हाँ बेटा, पर तू फिक्र मत कर, इस मरे हुए सांप को तेरे गले से निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे मैंने तो अच्छे अच्छे सांपों के फन कुचल दिए, ये तो चीज ही क्या है। तू बस अपने बाप का दिल जीत ले और ये पूरी जायदाद अपने नाम करवा ले, उसके बाद तेरा तलाक करवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पर देख लो माँ, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तू चिंता मत कर। ठीक है तो कर ले बाबूजी से बात। बात मैं नहीं तू करेगा, तू एक काम कर, अपने पिताजी के पास जा और उनसे माफी मांग ले, जा। तो माफी मांगनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ जा, मांग लेते हैं माफी भी। पिताजी मुझे आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। और अब आप जहां कहोगे मैं वहां शादी करने के लिए तैयार हूं। आ गई तेरी अकल ठिकाने, जा अपनी माँ और बहन को बता दे अपनी राय। ठीक है पिताजी, जा। अरे पता नहीं मेरा चश्मा कहाँ चला गया ये। मानसिंह जी। अरे गुंडालाल जी, इतनी सवेरे सवेरे, आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मैंने सुना है तुमने अपनी बेटी अमिता का रिश्ता पंडित जी के लड़के के साथ कर दिया। अरे भाई बैठो तो सही, तुम्हें सब समझाता हूँ। भाई दरअसल ये सब इतनी जल्दी में हो गया कि मैं तुम्हें बता नहीं सका। अरे वो मेरे दोस्त है ना पंडित जी लक्ष्मी नगर वाले, वो मेरे घर आ गए और उन्होंने बेटी अमिता का हाथ मांग लिया और मैं मना ना कर सका। तुमसे मना नहीं हुआ, अरे तुमने वहां मेरी नाक कटवा दी, अब मैं रामलाल को क्या जवाब दूंगा? मुल्ला लाल ये तो तुम्हें ही समझना पड़ेगा, लेकिन मेरी बेटी पंडित जी के घर में बहुत खुश रहेगी क्योंकि वो बहुत मालदार हैं। जुबान की भी कोई वैल्यू होती है, पर वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। अरे तुमने पंडित जी की दौलत तो देख ली, लेकिन ये भी देखा कि उसका लड़का क्या करता है और क्या नहीं? मानसिंह जी वक्त की मार बहुत बुरी होती है, और हमेशा याद रखना किसी को जुबान देने से पहले ये जरूर सोच लेना कि तुम्हारी जुबान में वजन है या नहीं। मेरी बात तो सुन मुन्ना लाल, इसे भी समझाना बड़ा मुश्किल काम है।
लू दूध। रख दे इसे वहीं, मुझे नहीं पीना। क्या कर रही है ये? मैं तो बस जूते उतार रही हूँ। क्यों? क्योंकि बिस्तर पे कभी जूते लेकर नहीं सोना चाहिए। अरे मेरे जूते, मेरा बिस्तर, मैं चाहे उतार के सोऊं या पहनकर, तू कौन होती है? और सुन, मेरा दिमाग खराब मत कर, चुपचाप उधर मुंह करके सो जा और मुझे भी सोने दे। भाषा लेके ना बाहर बैठो, हम औरतों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? और तू ये गलती दोबारा मत कर दियो। और क्या कर रही है तू यहाँ खड़ी होके? चल जाए यहाँ से। और ये गलती दोबारा कर दी ना तो इन टांगों को तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगी। चल निकल। आके माँ जी पता नहीं था। प्लीज पिक अप माय फोन। फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे? अरे डार्लिंग, कॉल का पता नहीं चल रहा था। हाँ बोलो, क्या हुआ? मेरा मन नहीं लग रहा, ना ही भूख लग रही है ना ही प्यास लग रही है, मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। अरे नहीं यार, अभी तो मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत सा काम बाकी है, पेंडिंग पड़ा है, उसे कंप्लीट करना है। मुझे तुमसे मिलना है, मिलना है तो बस मिलना है। पर क्या कर रही है? और ये फोन पे किससे बातें कर रही थी? किसी से तो नहीं भाभी। मैंने खुद सुना है तुझे बातें करते हुए। झूठ की बोल रही है? हाँ, वो ना भाभी, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अरे तो उसमें डरने की क्या बात है? डरना तो हमें जब चाहिए, जब हम अपने घर की इज्जत का ख्याल ना रखे। चला भट, मुझे कपड़े सुखाने दे। जी भाभी। महारानी, बाल्टी लेकर कहाँ गई थी? माँ जी कपड़े सुखाने गई थी। तो कपड़े सुखाने गई थी तो अपने कंधों पे ले जाती, बाल्टी को हाथ लगाने के लिए किसने कहा था? माँ जी कपड़े गीले थे। जुबान चलाती है माँ? भाभी ठीक तो कह रही है। तो ज्यादा हिमाय पीना बंद, करीब घर से आई है ना, इसलिए अपनी औकात भूल गई है। चलो भाभी। माँ कब तक चलेगा ड्रामा? मुझसे वो और बर्दाश्त नहीं होता। बेटा मैं ही इसकी दाढ़ काट देती हूँ, तो मेरी बात सुन। ठीक है? चल ठीक है। चल। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो?
वो मैंने सोचा इसको इसके घर में लाके ले आऊं, अब इसे भी तो बाबूजी की याद आती होगी ना अपने। बहुत अच्छा किया बेटी, मानसिंह से मेरी भी राम राम कह दियो। जी पिताजी। अच्छा बाबूजी चलो, देर हो रही है। हाँ हाँ जाओ जाओ। हाँ। बाबूजी नमस्ते। अरे भट्टल नमस्ते। अरे अचानक कैसे आना हुआ? आने की खबर तो कर देते। बाबूजी हमारा घर है, हम कभी भी आ सकते हैं। अरे हाँ हाँ वो तो ठीक है, बैठो। पिताजी एक सेकंड इधर आना। अच्छा बेटा आ गया। हाँ बेटी बता क्या बात है? पिताजी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बता ना क्या बात है। पिताजी उनकी सरकारी नौकरी लगनी है और उसमें 8 लाख रुपए का खर्चा आया है। 5 लाख तो उनके पास हैं, लेकिन 3 लाख रुपए उन्होंने आपसे मांगने के लिए बोला है, और वो भी उन्होंने मुझे अभी रास्ते में ही बताया। बेटी 3 लाख? 3 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं? मैंने मना क्यों नहीं किया? पिताजी मैंने तो मना ही करी थी, पर वो नहीं माने, मुझे यहाँ पर लिया है। बेटा तुझे उससे मना करनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, चल मैं उससे बात करता हूँ। जी पिताजी। चल देख बेटा समझ, 3 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं, अगर 10-15 हजार रुपए की बात हो तो मैं कर सकता हूँ। 10-15 हजार? अरे आपने क्या हमें भिखारी समझ रखा है? 15 हजार की बात कर रहे हैं, मुझे पूरे 3 लाख रुपए चाहिए, समझे? वरना ये रही तुम्हारी बेटी, संभालो इसे, और हाँ कल तक मुझे सोच के जवाब दे देना। अरे बैठ बेटा, ये क्या बचपना है? बेटा ये बचपना मत करो, तुम्हारे पिताजी को हमारे सारे हालात का पता है। और हाँ पिताजी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, वरना मैं अमिता को अपने रिश्ते से बाहर कर दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे लिए रिश्ते से बढ़कर पैसा है? हाँ मुझे पैसा चाहिए। बेटा हमारी इज्जत से मत खेलो, हमारे समाज में बहुत इज्जत है, अगर बेटी घर बैठ जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? 3 लाख तो 3 लाख, कल तक मुझे जवाब दे देना, ठीक है? पिताजी धीरज रखो, करने का फल एक दिन सबको मिलता है। पिताजी, पिताजी, तो आ गया? हाँ पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन गया तो तू ऐसे था जैसे कभी लौट कर नहीं आएगा। हाँ पिताजी, मैं घर छोड़कर तो चला गया था, पर मैंने बाहर जाकर महसूस किया कि जिस औलाद के ऊपर उसके माँ बाप का साया नहीं होता, वह औलाद कितनी बेघर और बेसहारा हो जाती है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। चल बेटा कोई बात नहीं, अब तो आ गया है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अच्छा पिताजी, सुनाया आपने अमिता की शादी कर दी? हाँ बेटा, वो सब इतनी जल्दी में हो गया कि किसी रिश्तेदार को ही बुलाने का मौका नहीं। वो खुश तो है ना पिताजी? हाँ बेटा खुश। अमिता कैसी है तू? ठीक हो भैया। ठीक, उदासी लग रही है। बस भैया क्या बताऊं मैं आपको, मेरे ससुराल वाले मुझे प्यार ही नहीं करते, बस एक मेरे ससुर जी हैं जो मेरी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। तू फिकर ना कर मेरी बहन, अभी तेरा भाई जिंदा है, मैं सब ठीक कर दूंगा। भैया। और हाँ बहन, अगर पिताजी पूछे तो कह देना कि एक जरूरी काम निपटाने गया।
अमिता भाभी हैं क्या? आप कौन? मैं अमिता भाभी की ननद हूँ। और आप कौन? मैं उसका भाई, और तुम्हारे घर ही जा रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम अपनी बहन का घर बसाना चाहते हो ना, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जो कुछ मैंने तुम्हें समझाया समझ गए ना तुम? हाँ मैं समझ गया। चलो आज से शुरू कर। माँ, कुसुम, ये लड़का कौन है? माँ ये राज सिंह है, मैं इसे तुमसे मिलवाने लाई हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। कुसुम, तो इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे ले सकती है? और इसका खानदान, इसकी पहचान क्या है, कुछ पता है तुझे? माँ मैं बस इतना जानती हूँ कि बहुत अच्छा लड़का है, मैं अगर चाहती तो इससे भागकर भी शादी कर सकती थी, पर मैं इसे तुमसे मिलवाने लाई। हाँ कह तो तू ठीक रही है, चलो कोई बात नहीं, बैठो तुम, बैठ जा बेटा। माँ पिताजी और भाई को मना लेना। कुसुम तो एक काम कर, चाय बना के ले आ, इतने में इससे कुछ बातें करती हूँ। ओके माँ। और बेटा क्या करता है तू? देखा संजय, मिल गया ना तुझे उससे छुटकारा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये तो तूने बिल्कुल सही किया माँ, और आखिर तू अपनी चाल में कामयाब हो ही गई। हाँ अब 3 लाख रुपए भी आएंगे और वो भी नहीं। अरे बेटा संजय, अरे बहू को कब ला रहा है, अब तो बहुत दिन हो गए। जब 3 लाख रुपए मिलेंगे तब। क्या 3 लाख रुपए, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ सही सुना तुमने, 3 लाख रुपए। वो इस घर में जब आएगी जब उसका बाप 3 लाख रुपए दे देगा, नहीं तो नहीं आएगी। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, ये कैसी बातें कर रही है तू? भला हमें पैसों की जरूरत कब से पड़ने लगी? जब से बाबूजी तुमने रिश्ता किया है, अगर तुम्हें अपने दोस्त मान सिंह की इज्जत प्यारी है ना, तो इस सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। मेरी बहन ये सब क्या है और ये कौन है? कौन हो तुम और ये क्या रवैया तुम्हारा? मैं बताती हूँ, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, और कुसुम इसके बच्चे की माँ बनने वाली है। माँ? और मैं इससे शादी भी नहीं करने वाला। आखिर क्यों बेटा? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। जमानत तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। ये कैसी बात कर रहा है कुत्ते, मैं तुझे जान से मार दूंगा। बेटा छोड़ दे इसे, इसे मार के तुझे क्या मिलेगा, हम तो पहले ही मरे हुए हैं। पर बेटा तुम तो इससे बहुत प्यार करते थे, क्या वो सब बातें झूठी थी? प्यार तो मैं इससे अब भी करता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दे, उसके बाद मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हे भगवान, ये मेरे परिवार को किसकी नजर लग गई, बेटे को भी जायदाद चाहिए और होने वाले दामाद को भी। नहीं पिताजी, मुझे ऐसी जायदाद नहीं चाहिए, आप एक काम करो पिताजी, अभी सारी जायदाद इसके नाम कर दो। अरे मैं अपनी बहन के खातिर ये जायदाद तो क्या अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं, कर दो। ये लो। पिताजी आ जाइए।
अरे मानसिंह तुम? हाँ पंडित जी मैं। पिताजी इसका मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है, मैंने माँ की और भाई की सारी बातें सुन ली थी, तब तो मैं कुछ नहीं बोली। मैं अमिता भाभी से मिलने उनके घर जा रही थी, तभी मुझे उनके घर के बाहर राज सिंह मिले। तब मुझे इन्होंने बताया कि अमिता भाभी के भाई हैं, और तब हमने मिलके एक प्लान बनाया। मैं बस यही समझाना चाहती थी कि जब किसी बहन का घर टूटता है तो उसके परिवार वालों को कितना दुख होता है। बस यही समझाना चाहती थी मैं माँ और भाई को कि एक बहू को बेटी का सम्मान दो। तूने ठीक कहा बहन, तूने सही समझाया। अमिता मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे अपने के पे बहुत पछतावा हो रहा है, मुझे माफ कर दे अमिता। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बहू मुझे भी माफ कर दे, आज मेरी भी आंख खुल गई। माँ जी ऐसे शर्मिंदा ना कीजिए। अब ये एक सच और बताना बाकी है। अब कौन सा सच बाकी है अंकल जी? दरअसल ये पेपर नकली है, है? और अब मैं इस पेपर को फाड़ रहा हूँ। अरे भाई मानसिंह, तुमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए, क्या तुम अपने बेटे को मेरा दामाद बनाना पसंद करोगे? नहीं। बल्कि मैं तुम्हारी अकलमंद बेटी को अपने घर की बहू बनाना पसंद करूंगा, क्या ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है? हाँ मेरे दोस्त आ जा।